हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समस्त प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सीरीज नंबर 20 है। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी वीडियोज मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, और जो अभी वीडियोज बाकी है उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करूंगी। दोस्तों, ये सीरीज नंबर 20 है, और चलिए चलते हैं आज के सेशन पर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव से दूसरे जीव में, यानी कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है, शरीर के स्पर्श और व्यक्तिगत आपसी व्यक्तिगत संबंध की बात कर रहा है, तो ये होगा आपका सही आंसर छूत की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। मधुमेह, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कुकुर खांसी। इसमें से क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कुकुर खांसी ये बैक्टीरिया से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं। अब मधुमेह जो है ये संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। मधुमेह दोस्तों पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के खराबी होने से या इंसुलिन के कम बनने से होता है। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब इंसुलिन कम बनता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, और जिससे हमारे रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा का बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। एंड दोस्तों, कुष्ठ रोग जो होता है उसे लेप्रोसी भी कहते हैं, या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से फैलता है। इसके द्वारा तो शरीर की त्वचा, तंत्रिका, आंखों आदि को संक्रमित करता है। क्षय रोग जिसे टाइफाइड, जिसे क्षय रोग जिसे तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी कहते हैं, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है। यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। श्वसन संबंधी रोग है। कुकुर खांसी, ऊपिंग कॉग, ये क्या होता है कि यह श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन तंत्र के में बर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग है जो तब होता है जब अग्नाशय इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या बहुत कम इंसुलिन बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संक्रामक बीमारी हैंसेन की बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग यानी जिसे कोढ़ कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, इसको हैंसेस डिजीज यानी हैंसेस रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता है। टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंटरी, ये सभी मक्खियों से फैलते हैं। येलो फीवर ये मक्खियों से नहीं फैलता है, ये मच्छर द्वारा, एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है। फिनॉयल, आग, टिंचर आयोडीन, स्वच्छ जल। इसमें ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ जल में निसंक्रामक तत्व नहीं है। निसंक्रामक होता क्या है दोस्तों, यह सूक्ष्म जीवों एवं रोगाणुओं को मारने के लिए एक निसंक्रामकों का प्रयोग होता है। इसे संक्रामक रोगों के रोकथाम में सहायता मिलती है। उष्मा, शीत, फिनाइल, आक, टिंचर आयोडीन, चूना, कपूर आदि इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति और संधिपाद, वनस्पति, मृदा अथवा पदार्थ
या इनका सम्मिश्रण जिसमें कोई वह संक्रामक अभिकर्ता रहता हो अथवा पैदा करता हो जिस पर इसका जीवन मुख्यतः निर्भरशील हो और जहां यह इस प्रकार स्वयं प्रजनन करता है कि इसे ग्राह्य परपोषी में संचारित किया जा सकता है। तो क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आगार रिजर्वोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, टिटनेस टॉक्सॉइड। दोस्तों टिटनेस या इसको धनुष टंकार या लॉक जॉ भी बोलते हैं, जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है, इसे लॉक जॉ नामक रोग से भी संबोधित किया जाता है। यह घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इससे बचाव एवं सुरक्षा हेतु टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। टिटनेस क्या करता है दोस्तों? हमारे तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों को अकड़ा देता है, उस पर प्रभावित करता है, शरीर में झटका और बेहोशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक जॉ किस रोग से संबंधित है? जैसा कि मैं अभी तुरंत बताई, ऑप्शन नंबर बी टिटनेस को लॉक जॉ धनुष टंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग को धनुकबाई भी कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इसमें से आपको छांटना है दोस्तों कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि जीवाणु और विषाणु कि जो रोग है, जो डिजीज है, उनको पहचानने के लिए ट्रिक है। जीवाणु रोगों के लिए यानी बैक्टीरिया से फैलने वाले लोगों के लिए ट्रिक है जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ठीक है, जिसे गोनोरिया, यस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पंडित प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक यानी टीबी, का से काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया, टी से टिटनेस और का से कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और है से हैजा। ये आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। वही भी दोस्तों विषाणु यानी वायरस से फैलने वाले लोगों के लिए ट्रिक है कि ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। इसमें से ए से एड्स, चाचा से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, हे से हर्पिस, ड से डेंगू, ट से ट्रोकोमा, मत से मेनिनजाइटिस, ख से खसरा यानी मिजल्स, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ एंड पे से पीलिया, छा से छोटी माता, चिकन पॉक्स, पो से पोलियो। ये सभी हैं आपके विषाणु जनित रोग। तो इसमें क्या छांटना है दोस्तों कि कौन सा विषाणु जनित यानी वायरस जनित रोग नहीं है। जैसा कि दोस्तों कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में चेचक विषाणु यानी वायरस से फैलने वाला रोग है। खसरा जो है वो वायरस से फैलने वाला है। एंड ऑप्शन नंबर सी जो है इन्फ्लुएंजा और एड्स, ये दोनों विषाणु जनित रोग हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी में रेबीज एंड पोलियो, ये भी दोनों विषाणु जनित रोग हैं वायरस से फैलने वाले। ऑप्शन नंबर बी जो है क्षय रोग और टिटनेस, ये दोनों बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यह विषाणु जनित रोग नहीं है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खांसी, वजन में कमी एवं बुखार जैसे लक्षण जुड़े हुए हैं किस रोग से जुड़े हुए हैं? ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन ए, जन्म से एक वर्ष के भीतर। जैसा कि दोस्तों बीसीजी यानी वेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक या राजयक्षमा अथवा क्षय रोग टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। बट यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो
शिशु के जन्म के 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अधिक देरी होगी उतना ही प्रभावित उसका कम हो जाएगा। तो इसके आधार पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जन्म के 101 वर्ष के भीतर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? तो किस रोग से? क्षय रोग, तपेदिक यानी TB। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? किस रोग की? तपेदिक। देखिए दोस्तों उसका पूरा नाम आपका आपको आना चाहिए, उसको तपेदिक भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, राजयस्मा भी बोलते हैं, TB भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, तो इसमें से कोई भी नाम दे देगा, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोगों STD का उनके रोग जनक के साथ सही ढंग से मेल करता है, यानी कि उस रोग यह रोग किसके कारण फैलता है, तो उसका सही मेल कौन है? तो इसका सही मेल है दोस्तों सिफिलिस ट्रोपोनिमा पेलिडम, सिफिलिस ट्रोपोनिमा पेलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस के लिए कारक अभिकर्मक है, तो अभी तुरंत बताइए यह कारक अभिकर्मक है ट्रोपोनिमा पेलिडम। यह LTK 2018 का क्वेश्चन है कि सिफिलिस के लिए कारक अभिकर्मक है ट्रोपोनिमा पेलिडम है। किस रोग से शरीर के अंग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग से शरीर के अंग सूज कर मोटे हो जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग उचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण प्रायः एनाफिलीज एवं क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पाव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोसी होती है, जैसा कि दोस्तों लेप्रोसी किसे कहा जाता है? कुष्ठ रोग को, कोढ़ जिसे कहते हैं उसे हेंसेस डिजीज यानी हेंसेस रोग भी कहा जाता है। तो ये लेप्रोसी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये लेप्रोसी जो होती है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया से फैलता है। यह कुष्ठ रोग का संक्रमण यदि लंबे समय तक होती रहेगी तक रोगी के साथ रहने से भी हो जाता है। अगर उस रोगी के साथ लंबे समय तक रहें तब भी आपको हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है कौन सा है? प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी TV सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे जल्दी ये श्वसन वाला रोग है, श्वसन संबंधी ट्यूबरकुलोसिस TB तपेदिक जिसे कहते हैं यानी क्षय रोग। यह प्रत्यक्ष संचारण संपर्क के माध्यम से अर्थात प्रत्यक्ष संचारण द्वारा आसानी से फैलने वाला रोग है। यह विशिष्ट संक्रामक रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी उत्तकों को प्रभावित करता है। यह बीमारी लंबी अवधि तक चलती है। यह बोवाइन टाइप एक्स्ट्रा पल्मोनरी अंग अर्थात आंत, हड्डी, लिम्फ नोड को प्रभावित करती है। क्षय रोग भारत में स्वास्थ्य की मुख्य समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है? मलेरिया, टिटनेस, निमोनिया एंड पेचिस। तो इसमें सही ऑप्शन है पेचिस। पेचिस जो है दोस्तों जल के संक्रमण से फैलने वाला रोग है। यह रोग पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों पेचिस जो है प्रोटोजीवा यानी परजी से फैलने वाला रोग है। इसके परजीवी का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका।
यह आंत को प्रभावित करता है, खून के साथ दस्त आता है, इसके लक्षण होते हैं। इस रोग के कारण अतिसार यानी डायरिया भी हो जाता है, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा रुग्णता एक रोग है जो किसी संक्रामक अभिकर्ता की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों प्रोटोजोआ जनित। अमीबा रुग्णता प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्रायः एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से होता है। ये पेचिस का ही दूसरा नाम है अमीबा रुग्णता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है एनाफिलीज मच्छर में। कौन से मच्छर में? मादा एनाफिलीज मच्छर में। मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी है, जो एक द्विपोषी जंतु है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्वीन, कुनेन आदि औषधियों का उपयोग किया जाता है। कुनेन को सिनकोना नामक पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया की बीमारी होने का कारण है परजीवी, जीवाणु, विषाणु, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसको कई लोग गलत कर देते हैं, मलेरिया न तो जीवाणु से फैलता है न विषाणु से, यह फैलता है परजीवी से। कौन से परजीवी का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। उसके वाहक का क्या नाम है? मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया फैलता है मक्खी के काटने से, कुत्ते के काटने से, नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से, कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से? तो इसका सही ऑप्शन है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी फैलने का कारण मच्छर है? तो मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण की वह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं कहलाती है रिंगवर्म, एक्जिमा, रैश, हॉर्प्स। जैसा कि दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे ये किसकी बात कर रहा है, जो हमारे शरीर पर गोल गोल धब्बे आ जाते हैं, दाद हो जाता है, वही होता है रिंग वार्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक एक विषाणु जनित संक्रमण संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मनुष्यों में वेरियोला नामक विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो यह आंखों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ट्रेकोमा आंख से संबंधित जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। यह क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा संक्रमण है किसका? आंख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। दोस्तों जैसा कि हैजा बैक्टीरिया से फैलता है, एंड मलेरिया परजीवी से फैलता है, प्रोटोजोआ से, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से फैलता है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से फैलने वाला रोग है। यह दोस्तों हैजा तथा आंत्र ज्वर टाइफाइड जल जनित रोग है, जो हैजा विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से एंड आंत्र ज्वर टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से जीवाणुओं से फैलता है। अब मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी कारण
जो मनुष्यों में मादा एनाफिलेज मच्छर के काटने से फैलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जो टॉपिक बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में होगा। आई होप कि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके, जिसके चलते मैं आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो ला सकूं। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी नेक्स्ट टाइम उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।